नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। मैं हूँ शेफ गिरीश दुबे। आज आप लोगों के साथ में टिप्स शेयर करेंगे बहुत ही कमाल की। जो देखिए, हमने सौंफ के पेड़ लगाए थे तो इसमें कुछ धनिया भी मिक्स हैं और कुछ इसमें कचरा भी है, तो उसको हम हटाते हैं, साफ करते हैं इसको, जैसे कि बिल्कुल साफ करेंगे। और इतना घना जब रहेगा तो पेड़ हमारे ग्रोथ नहीं करेंगे, पत्ते पतले हो जाएंगे और ग्रोथ नहीं करेंगे, इसमें सही साठ फल नहीं आएंगे। तो चलिए, सौंफ के जो पेड़ हैं, जो साइड में धनिया का पेड़ है या जो भी कचरा उसके अंदर है, वो निकालते हैं, साफ सुथरा करते हैं उसको, और पेड़ हमारा बहुत बढ़िया हो, ग्रो करे। तो उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए आप लोग दिखाते हैं, और इतना गजब का हो जाएगा। और ये देखिए, जो कि हमने लगाया था तो ये हो गया, इसका वीडियो बनाएंगे, बताएंगे। ये देखिए, इस तरीके से बहुत ज़्यादा है इसमें, तो इनको हम साफ करेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे निकाल देंगे जो छोटे हैं या जिसमें वो है। तो ये देखिए, ये जो कि इतना घना है, तो चलिए आप लोग बताते हैं क्या करेंगे इसमें और क्या क्या कैसे करेंगे। देखिए, साइड साइड में बहुत ज़्यादा है, तो जो छोटे मोटे हैं उनको हम निकाल लेते हैं, और इसमें थोड़ा बहुत और साइड टाइट में लगा देंगे, बीच में खाली तो बीच में लगा देंगे। ये देखिए, और ये जो जड़ें हैं, जड़ें निकल रही हैं, मजबूत नहीं हो रही हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे वो आप लोग दिखाते हैं। इसमें से जो ज़्यादा पेड़ हैं वहाँ से निकाल के बीच में लगा देंगे, और उसके बाद में इसमें हम बताएंगे क्या करेंगे। देखिए, जो खाद है, खाद मिट्टी खाद है, उसको डाल देंगे, तो बीच में जगह बचेगी, उसके अंदर जो पेड़ हम उखाड़ेंगे इसमें से, वो पेड़ लगा देंगे। ये देखिए, और दिखाएंगे आप लोगों को किस तरीके से उखाड़ना है और बीच में ही लगा देना है, तो हमारा वो पूरा भरा का भरा दिखेगा और पेड़ भी हमारे ग्रोथ करेंगे। तो दिखाते किस तरीके से उखाड़ेंगे, ये देखिए। तो सबसे पहले तो इसमें हम खाद दे देते हैं, जो कि हमने खाद बना के रखा था, इसमें एक वीडियो डाला है खाद का, तो आप लोग तुम्हें लिंक दे दूंगा, जाके चेक कर लेना, इसको अच्छे से वाला बराबर कर देते हैं। उसके बाद इसमें पानी दे देंगे और इस तरीके से इसको छोड़ देंगे। और इसमें जो देखिए बतुआ है, बतुआ बोलते हैं इसको, तो जो बतुआ बतुआ है या फालतू कचरा है उसको हटा देंगे, और सिर्फ इसमें हमारा सौंफ का पेड़ रहेगा, और सौंफ का पेड़ ग्रो जब ही करेगा जब हम इसकी थोड़ी केयर करेंगे। हमने डाल दिया पानी, थोड़ा सा पानी डाल देंगे, एक दो मग्गा, ये देखिए। और इस तरीके से जिसमें हमने छोटे छोटे पेड़ थे वो हमने निकाल लिए, और बीच में एक दो जगह हमने इसमें लगा दिए हैं, और ये देखिए इसमें भी बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। ये देखिए, जो खाली है बीच में और जिससे जड़ बाहर आ रही थी, इसको हम पहले सबसे पहले तो इसको हम निकाल लेते हैं इसमें से, जो छोटे छोटे पेड़ हैं या सूख गए हैं या मरने वाले हैं या कचरा है उसके अंदर, तो वो छोटे छोटे जो पेड़ है उसको निकाल के फेंक देते हैं, ये देखिए। और तो हमारा जो सौंफ का पेड़ है बहुत अच्छा ग्रो करेगा, और इसके अंदर सौंफ बहुत बढ़िया आएगी। और जो बीच में खाली है उसमें हम थोड़े से और पेड़ पौधे इसी का जो उखाड़ेंगे वो भी बीच में लगा देंगे, वो खाद डाल देंगे। और फिर आप लोगों दिखाएंगे हम 15 दिन के बाद कि हमारे सौंफ के पेड़ कैसे हुए और कब तक वो फल देने के लायक हो जाएंगे। तो चलिए, तो इस तरीके से हमें कर लेना है। और हमारा वीडियो अच्छा लगता है आप लोगों के लिए तो लाइक करना मत भूलना, लाइक जरूर कर देना, और कमेंट कर जरूर बताना कि आप लोग हमारी रेसिपी कैसी लगी, सॉरी रेसिपी नहीं टिप्स। ये देखिए, इस तरीके से हमें निकाल लेना है, जो ज़्यादा है वो सारे निकाल देंगे, और बीच में जहाँ पे जगह खाली होगी वहाँ पे हम इसको लगा सकते हैं, तो पेड़ के को सूखेगा नहीं है, कि अगर हमने उखाड़ दिया तो पेड़ सूख जाएगा, नहीं, इसको पौधे पौध बोलते हैं, नहीं सूखेगी। और बीच में हम इसमें थोड़े से जो बीच बीच में खाली है वहाँ पे हम लगा देंगे, तो जो पेड़ हमारा ग्रो करेगा और अच्छा से बढ़ जाएगा। देखिए, इस तरीके से हम जो कचरा है पूरा निकाल रहे हैं, ये पूरा कचरा निकाल लेंगे, इसमें जो आलतू फालतू के पेड़ हैं वो हमने हटा देंगे, बस इसमें हमारे लिए सौंफ का पेड़ चाहिए। धनिया भी हमने उखाड़ ली इसमें से, धनिया भी बहुत सारी लगी थी, तीन तो धनिया तो हमने उखाड़ ली है। और ये देखिए, इस तरीके से इसको हमने पूरा निकाल लिया, ये छोटे 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 छोटे, और बीच में हमने जो कि थोड़ा बहुत इसमें लगा दिया है, और ये हमने जो खाद मिट्टी मिक्स है ये इसके अंदर हम डालेंगे। ये देखिए, इस तरह अंदर डाल देंगे खाद मिट्टी, और इसका हम पानी दे देंगे, तो ये हमारे पेड़ पौधे बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे इस तरीके से, अगर हम इसको साफ सुथरे करते हैं, क्योंकि ज़्यादा जब जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है
तो वहाँ पे खतरा ही रहता है। तो यहाँ पे भी ज़्यादा भीड़ भाड़ थी, तो आधे पेड़ सूख रहे थे, आधे लंबे नहीं हो रहे थे, आधे बढ़ रहे थे, आधे नहीं बढ़ रहे थे। तो हमें इसमें से बहुत सारे पेड़ निकाले और बीच में जो हमने पानी डाला है यहाँ पे कुछ पेड़ और लगा देंगे। तो बस हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और आप लोग हमारी टिप्स अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना, लाइक जरूर करना।